जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। आखिर क्या इस फिल्म के पीछे है बॉलीवुड का इंस्पिरेशन? राधे श्याम भी क्या करेगा इस बार वैलेंटाइन सेलिब्रेट? 14 जनवरी की तारीख मेकर्स के लिए क्यों है इतनी खास? बॉलीराज स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। भाई अब तक हमने काफी सारी मूवीज देखी हैं जिसमें दो दो लव स्टोरी एक साथ दिखाई जाती हैं, जिसमें एक प्रेजेंट केस होता है और एक केस में कोई आदमी अपना फ्लैशबैक सोच रहा होता है। जैसे लव आजकल जिसमें दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान मेन लीड में नजर आए थे, और दोस्तों दूसरी फिल्म तेरी मेरी कहानी जिसको प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर ने लीड किया था। बता दो दोस्तों कि ऐसा कुछ हमें राधे कृष्ण द्वारा डायरेक्ट की जा रही फिल्म राधे श्याम में भी देखने को मिलेगा। आप बॉलीवुड की इन फिल्मों से अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े और प्रभास का फिल्म में किस तरह का रोल देखने को मिलेगा। फिल्म में प्यार को लेकर पागलपन तो हम सभी ने देखा है, लेकिन इस बार पूजा के प्रेरणा बनने के पीछे की जो सीख वो हमें देना चाहती हैं, उसके बाद प्यार में पागलपन ही नहीं बल्कि दोस्तों समझदारी और मैच्योरिटी की क्या अहमियत है वो हमें देखने को मिलेगी। 14 जनवरी 2022 को संक्रांति के शुभ अवसर पर दोस्तों रिलीज होने जा रही है ये एक दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी। लेकिन आपको नहीं लगता कि 14 फरवरी को इस फिल्म के लिए ज्यादा उचित दिन रहता? क्योंकि दोस्तों 14 फरवरी को हम प्यार का दिन मानते हैं, जिसे आप दोस्तों चाहे माँ बाप का दिवस कहो या फिर अपने लव्ड वन को प्यार जाहिर करने को, या ये दिन खुद में एक प्यार का स्तंभ है। तो ऐसे में क्यों नहीं चुना मेकर्स ने वैलेंटाइन जैसा ये शुभ दिन? भाई बता दूं कि मेकर्स चाहते हैं हिंदुस्तान के बड़े त्योहारों पर ही मिले इस प्रेम कहानी को रंग, और संक्रांति भी इंडिया का बहुत ही प्यार भरा और मेल जोल वाला दिवस ही माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों मेकर्स ने 14 जनवरी का दिन चुना है। फिल्म पहले तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी, उसके बाद ही हिंदी वर्जन को दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। हम सभी फिल्म में रोमांस के साथ जब फिल्म के गानों से भी जुड़ पाते हैं, तभी दोस्तों फिल्म हमारे लिए कंप्लीट पैकेज बन पाती है। ऐसे में फिल्म के हिंदी वर्जन के गाने और कोई नहीं बल्कि अपनी सुरीली आवाज में अमाल मरिक, तनिष्क बागची और मिथुन पेश करने जा रहे हैं। ये फिल्म तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट में बनने जा रही फिल्मों के नाम के साथ अपना नाम ऑलरेडी जोड़ चुकी है। इस फिल्म का बजट मेकर्स द्वारा 350 करोड़ रखा गया है। बता दो दोस्तों कि फिल्म की शूटिंग लोकेशन के लिए मेकर्स ने इटली में कुछ खास सेट्स फाइनलाइज कर दिए हैं, जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने अपना काफी समय वहीं पर बिताया है और इस सीक्वेंस ने कास्ट और क्रू के काफी वक्त भी कंज्यूम किया है। फिल्म अब तक इस इंडिया में बनने वाली सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फिल्म रही है। अब दोस्तों हो भी क्यों ना, फिल्म को सपने से भी ज्यादा सुंदर आकार देने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो दोस्तों आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर हैं दीक्षा राजपूत।